आपका स्वागत है और आज आपको दिखाएंगे वृंदावन के मंदिरों में सबसे खास मंदिर रंगनाथ जी का मंदिर। यह जो रंग जी का मंदिर है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है वृंदावन के अंदर। और इसमें हम वो दरवाजा भी देखेंगे जो साल में एक बार खुलता है, उसको वैकुंठ का दरवाजा कहा जाता है। माना जाता है कि अगर लोग उसको एक बार अपने जीवन में पार कर लेते हैं तो उनको मोक्ष मिल जाता है। यह जो रंगजी का मंदिर है यह बिल्कुल द्रविड़ स्टाइल में यानी द्रविड़ वास्तु शिल्प में बना हुआ है। आपको फील हुआ कि आप किसी दक्षिण भारत के मंदिर में घूम रहे हैं। मुझे तो यह मंदिर बहुत पसंद आया, बिल्कुल पुराने दक्षिण भारत के मंदिर की स्टाइल में इसको बनाया गया है। इसके पिलर के भी नक्काशी बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ इसके अंदर में बहुत सारे मंदिर हैं और हर मंदिर के चारों तरफ घूमने की जगह, जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, तो हर मंदिर के चारों तरफ घूमने की जगह है। बहुत ही खूबसूरत है यह मंदिर। आप इस मंदिर को देखते चलिए, साथ साथ मैं इस मंदिर के बारे में भी आपको बताता जाऊंगा। राजा इक्ष्वाकु ने इस मंदिर में जो रंगजी की मूर्ति है उसको राजा इक्ष्वाकु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था और इसे अयोध्या में स्थापित किया। जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था उस समय विभीषण जी ने इस मूर्ति को राम जी से मांग लिया और कहा कि वह लंका में इसको स्थापित करना चाहते हैं। पर किसी कारणवश इस मूर्ति को उन्होंने जहां रखा वहां से वह उठा नहीं सके और बाद में यह जो वृंदावन है इसी जगह पे वह मूर्ति रखी गई थी विभीषण जी के द्वारा और इसी जगह पे श्री रंग जी का मंदिर बनाया गया। तो इस मंदिर बनने के पीछे कारण यही। और इस यह जो दरवाजा आपको दिख रहा है इसे वैकुंठ का दरवाजा कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी इसको पार कर लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है और यह दरवाजा साल में बस एक दिन वैकुंठ एकादशी के दिन खोला जाता है और इस दिन बहुत बड़ी झांकी निकाली जाती है। 11 पालकी इस दरवाजे के अंदर जाती है, यहाँ भव्य झांकियां निकाली जाती है और उसमें ये जो आपको दिख रहा है कहा जाता है कि यह सब सोने का बना है और इन सबको उस जो झांकियां निकलती है उसमें यूज किया जाता है। इस मंदिर की एक और खासियत है कि इस मंदिर में जो भी पुजारी होंगे वह दक्षिण भारत के ब्राह्मण होंगे, यानी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण ही इस मंदिर के पुजारी हो सकते हैं। और इस यहाँ जो पूजा पाठ किया जाता है वह दक्षिण भारत में जिस तरह से पूजा पाठ होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी पूजा की जाती है। और यहाँ की जो मूर्ति आप देख रहे होंगे, इस मूर्ति का जो मतलब दक्षिण भारतीय मूर्ति और उत्तर भारतीय मूर्ति में अंतर होता है, तो यहाँ की जो मूर्तियाँ भी हैं वह भी दक्षिण भारतीय स्टाइल की है। इस मंदिर के अंदर आने के दो दरवाजे हैं, एक तरफ से जो आपने स्टार्टिंग में देखा और ये भी इसका दरवाजा है, इस तरफ से भी आ सकते हैं। तो इधर काफ़ी खूबसूरत बहुत अच्छा तालाब बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का आर्किटेक्चर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें।